I hope you all are fine at home. I am Lakshmi and today's date is 14-12-21 and the day is Tuesday. Students, today we will do English cursive. We have done letter A and letter B. Now today we will do letter C and letter D. Okay? हमें क्या करना है? Cursive writing करनी है. हमने letter A, B cursive में लिखना सीखा है. आज हम letter C and D लिखना सीखेंगे. और कैसे लिखेंगे? देखो, मैंने बताया था आपकी notebook में 1, 2, 3, 4 है ना? English में 4 lines वाली notebook होती है. तो आपको 4 लाइन का यूज़ करना होता है ना? तो सी लेटर के लिए 1, 2, 3 लाइन का यूज़ करेंगे. तो आपको फर्स्ट लाइन से ऐसे टर्न करना है, देन थर्ड लाइन तक ऐसे कर्व करके ले जाना है और थोड़ा सा अंदर टर्न करना है. इस तरह से ये बन गया हमारा लेटर सी. अगेन देखो, फर्स्ट लाइन से ही जाना है थर्ड लाइन तक, फिर टर्न करना है. सिंपल, जैसे सी बनाते वैसे ही बनाना है. ओके, अगेन टर्न किया, थोड़ा सा इधर से हमें रखना है गैप, फिर टर्न करके और ये हो गया हमारा लेटर सी. ओके, और मैंने बोला है कि पेंसिल को उठाना नहीं होता है. नाउ लेटर डी, फर्स्ट टू थर्ड, यानी फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे और थर्ड लाइन पे जाएंगे, फिर टर्न करेंगे और फिर अगेन गो अप, यानी फर्स्ट लाइन में जाएंगे और टर्न करेंगे अंदर की साइड. ये हमारा हो गया लेटर डी. अगेन फर्स्ट लाइन टू थर्ड लाइन है ना, फर्स्ट से थर्ड लाइन में जाएंगे, थोड़ा सा ऐसे टर्न करेंगे और फिर यहाँ से आगे से ऊपर की तरफ जाएंगे फर्स्ट लाइन में और अंदर टर्न. ठीक है, ये हमारा हो गया डी. अगेन फर्स्ट से थर्ड लाइन में जाएंगे, ये हमारी लाइन जो है वो थोड़ी ऐसे स्लैंट होनी चाहिए और फिर थोड़ा टर्न करेंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे और फर्स्ट लाइन को टच करते हुए अंदर की तरफ टर्न करेंगे. तो ये हमारा हो गया लेटर डी. इस तरह से आप सी एंड डी कर्सिव में लिखने की कोशिश करना, ट्राई करेंगे तो आपको लिखना आ जाएगा. ठीक है, और मैं फिर से बताती हूँ, ए हमने कैसे सीखा था, फर्स्ट टू नीचे से थर्ड लाइन से फर्स्ट लाइन में जाके नीचे आके ऐसे कर्व किया था है ना, ये हमने क्या लिखा था लेटर ए. बी, ओके, फिर से देखो, लेटर बी करने के लिए क्या करना था, ऊपर से नीचे आएंगे, टर्न करेंगे, अंदर की तरफ कर्व ऐसे करेंगे है ना, ये हो गया हमारा बी. तो ए बी सी एंड डी, ये 4 लेटर्स हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है लिखने की. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर.